तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड के अंदर पहला फैक्टर है डेंसिटी। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी अज्यूमिंग प्रेशर टू बी कांस्टेंट। प्लीज प्रेशर चेंज नहीं करना। तो पहला रिजल्ट है, अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा है तो गैस के अंदर वेलोसिटी साउंड की कम होगी, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर होने से डेंसिटी कम हो जाती है एयर की। डेंसिटी कम है तो डेंसिटी यहां पर कम है तो वेलोसिटी यहां पर ज्यादा है, तो मॉइस्चर होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है साउंड की। तो दूसरा फैक्टर याद करना है। तीसरा टेम्परेचर, पीवी इज इक्वल टू आरटी, वॉल्यूम क्या है मास बाय डेंसिटी। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। वेलोसिटी ऑफ साउंड का ये फॉर्मूला गामा पी बाय रो, पी बाय रो की जगह पुट करें आरटी बाय एम, इसको बॉक्स में डालने। दोनों साउंड के स्पीड के फॉर्मूलाज हैं, दोनों न्यूमेरिकल में काम आएंगे। या तो फॉर्मूला यूज करेंगे गामा पी बाय रो या फॉर्मूला यूज करेंगे गामा आर टी बाय एम, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मार्क करें। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर हो गया। तो डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के साथ अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दो फॉर्मूलाज आगे साउंड के स्पीड के। नेक्स्ट है प्रेशर, पीवी इज इक्वल टू आर टी, प्रेशर के अफेक्ट में टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मानना है। तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां पर वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे मास बाय डेंसिटी, मास नीचे आके फिर से कॉन्स्टेंट। तो याद रखना प्रेशर और डेंसिटी की रेशियो कॉन्स्टेंट होती है, मतलब अगर मैं गैस का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी ताकि रेशियो रिमेन्स सेम। तो साउंड के अंदर गामा तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, पी बाय रो भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल पूरे का पूरा ही कांस्टेंट है। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से क्या होता है वाइब्रेशन ज्यादा होती है। जैसे अगर कोई वेव 12 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दूंगा तो 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एम्पलीट्यूड बढ़ाने का मतलब एनर्जी ज्यादा होना। जैसे मैं धीरे बोल रहा हूं तो देखो पार्टिकल एयर के ना कम ऑसिलेट कर रहे हैं, और अगर मैं ऊंची बोलूंगा तो वो तेज ऑसिलेट करेंगे। अगर मैं बहुत ऊंची बोलूंगा, इतनी ऊंची कि शीशे टूट जाएंगे, फिर ज्यादा ऑसिलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये नहीं है कि मेरी स्पीड तेज हो गई बोलने की, स्पीड उतनी है, आप तक मेरी आवाज उसी स्पीड पे पहुंचेगी, ऊंची पहुंचेगी। एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब साउंड की इंटेंसिटी या एनर्जी ज्यादा है। तो साउंड एम्पलीट्यूड का कोई असर नहीं है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, नो अफेक्ट। फ्रीक्वेंसी या पिच, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आवाज तीखी हो जाएगी, श्रिल हो जाएगी, तेज नहीं चलेगी। तो फ्रीक्वेंसी का भी कोई अफेक्ट नहीं है साउंड पे, फ्रीक्वेंसी का मतलब पिच का कोई लेना देना नहीं है। विंड का, अगर हवा इधर चल रही है मैं इधर बोल रहा हूं तो तेज जाएगी आवाज, अगर हवा इधर चल रही है मैं उल्टा बोल रहा हूं तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। तो विंड का असर आता नहीं है, मेन मेन प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।